अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल चाल है आप सब के? कैसे आप सब लोग? अभी अभी मैं आया था और अभी ऊपर आया हूँ, देखो मुर्गी भी मेरे साथ ही ऊपर आ रही है, कुछ नज़र मुश्किल से आ रही होगी, अंधेरा हो जाता है ना नीचे, तो ये देखो बेचारे अभी ना सारा दिन आज के, तो बस इनको मैं निकालता हूँ, निकाल ये अभी खुद ही अलग करें निकला है, इतनी देर मैं इनके लिए ना पानी भर देता हूँ। बर्तन ये रहा, आज मुर्गा भी ना थोड़ा सा बीमार है और सबको ना चिचड़ लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ही हो गए। पानी ना यहीं पे रखता हूँ ताकि यहाँ से गंदम भी खा लेंगे, तो अभी पानी भरते हैं स्कूल से इनके लिए। मुर्गा भी आ गया, मुर्गी बेचारी वो नीचे आती है चली जाती है, फिर आती है फिर वो नीचे चली जाती है, क्योंकि उसका बच्चा तो नीचे ही है ना। तो मैं इनको पहले एक बार पानी रखते हैं, चूजे तो आपको पता है नहीं लेके आ सकते, अभी नहीं लेके आने ऊपर, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैंने ना ऐसे ही आधे घंटे तक ना सबको बाहर निकाल देना ताकि बाहर इंजॉय करें। तो अभी ये खुद ही निकल आएंगे, आए तो दिखवाने लगे इनके बारे में, इनको मैंने बाहर निकाल दिया। बेचारे सुबह से प्यासे थे, मुझे तो अभी अफसोस हो रहा है यार, मैं भूल गया सुबह जाते हुए पानी देना, तो ये पानी शानी पियेंगे, ये नीचे जो गंदम पड़ी है ना यही खा लेंगे फिलहाल के लिए, बाद में इनको बाहर छोड़ेंगे ताकि ये हरा भरा घास छास खाएँ। मुर्गा ये रहा, मुर्गी बेचारी नीचे चले गई अपने बच्चे के पास, तो अभी थोड़ी देर इनको यहाँ पर घूमने देते हैं, फिर इनको ना बाहर ले कर ले आए हूँ, ये थे बाकी। इनको भी अभी मैंने निकाला था बाहर, लेकिन वो यहाँ भी कौवा आके बैठ गया था, तो मैंने इसलिए ना फिर अंदर ही कर दिया। मैंने कहा स्पीड बड़ी होती है कौवे की, मुर्गी भी बाहर, मुर्गा बोल रहा उसको यार लगता है उसकी तबीयत वगैरह थोड़ी सी ना ख़राब है, उसको भी मैं देखता हूँ कि चूजा इसके साथ ऊपर है। उनकी आज फिर मुर्गी आ गई है, कुछ कह तो नहीं रही लेकिन पता नहीं यहाँ तक तो आ गया दरवाजे से। तो दोस्तों इनका मैं ऊपर अभी ले आया हूँ, बड़ी मुश्किल से देख रहे, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगे, हबस है ना, तो एक तो ऊपर आते आते ही मशक्क़त बड़ी करवाते हैं। वो देखो वो दीवार के साथ चल रहे हैं, यहाँ से नीचे से नजर आ रहे हैं, वो जा रहे हैं चूज़े, माशाल्लाह पानी पी रहे हैं, इनको ज़्यादा पानी नहीं पिलाने, बस अभी हटा देता हूँ मैं इनको नीचे से ना, अच्छे तरीके से पत्ते खा के आए हैं, अभी मैं कॉल भी करता हूँ ताकि वो आते हुए ना वो ले आए पाउडर सा जो होता है ताकि इनको लगाएं, इनके बहुत ज़्यादा हो गए। मैं आपको भी मुर्गी पकड़ के ना दिखाता भी हूँ कितने ज़्यादा है, एक मिनट इसको पकड़ना मुश्किल नहीं है, हाथ एक हो ना, जान बड़ी है इसके अंदर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो वो इसके ना बाल मुझे लग भी रहे हैं, ये देख रहे हो वो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, इधर भी हैं, ये देखो इधर भी हैं, इसके बाजुओं पे भी है। अभी ये तंग हो रही है, इसको ना आज पाउडर भी लगाते, इसको पहले ना खींच खींच कर ना उतारने पड़ेंगे, इसको उतार कर इसको देख के ना मुझे ख़ारिश होने लग जाती है मेरे जिस्म पे ना, तो इनका खींच खींच के उतारेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ना वो लगाएंगे हम पाउडर, उसको यार मैं उसका नाम पता नहीं क्यों भूल गया, टाइगर पाउडर, टाइगर पाउडर ना फिर लगाएंगे। वो देखो हमारे हमसाओं के कबूतर, अभी ना थोड़ा ये वाला है, इंशाल्लाह पर जल्द हम भी लेके आने वाले हैं। असल में मैं इस खुडे को इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इसका जो दरवाज़ा है ना ये वाला भी अड़ता है ना, तो वो वाला भी अड़ेगा, एक ये खुडा पड़ा है इसको भी मैं सही करता हूँ। बस आज मैं कैन को काट के ना इसमें मट्टी शट्टी भर के ना रेत मिक्स करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि पौधे लगाएंगे ना, तो इनको पानी शानी भी हो गया, अभी वो उनको मैं इधर लेके आना पड़ेगा, अभी मैं उसको कहता हूँ इधर। वो मेरे ख्याल उसका चूजा भी उसके साथ ही है, ब्लैक वाला ना, हाँ नीचे ही ना गिर जाए, अभी इसको भी मैं जल्दी जल्दी उठाता हूँ। और वो देखे वो बैठा हुआ है, वो कार्टून देख रहा है, तो इसकी ये टोकरी इस तरफ करके मुर्गे को बंद कर देता हूँ, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपसे नए। वो लोग मेरे तक अपना ख्याल रखिए।